हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो हाल ही में नोबेल पुरस्कार की जो घोषणा की गई है, नोबेल पुरस्कार विजेताओं की, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि करंट अफेयर का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। हाल ही में भी 2 अक्टूबर को इनकी घोषणा की गई थी। ठीक है, तो मैं हूँ प्रहलाद सारण, और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज़ाना 9:30 बजे लाइव टेस्ट होता है, वो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। नोबेल पुरस्कार 2018 जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में और भौतिकी के क्षेत्र में इनकी है, वो घोषणा की गई। साहित्य के क्षेत्र में नहीं की गई है, क्योंकि साहित्य के क्षेत्र में इसलिए नहीं की गई क्योंकि उनके जो बड़े अधिकारी जो हैं वो शोषण के मामले में थोड़े से फंसे हुए हैं, तो हाल ही में वो चीज़ें नहीं हो रही है। तो दो हैं, उनमें बात करेंगे। तो नोबेल पुरस्कार समिति के द्वारा हाल ही में भौतिकी नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की है, और इस बार भौतिकी का नोबेल है वो 3 लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, कितने लोगों? 3। कौन कौन से? एक है आर्थर एस्किन, दूसरे हैं गेरार्ड मोराओ, और तीसरे हैं डोना स्ट्रिकलैंड। तो इन तीनों को भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाएगा, ये याद रखना है। इस पुरस्कार का आधा भाग आर्थर एस्किनी, जबकि आधा भाग जो है उनमें से गेरार्ड मोराओ को और डोना स्ट्रिकलैंड को दिया जाएगा। 3 लोग याद रखिए, 3ों के नाम याद रखिए। तो भौतिकी पुरस्कार 2018 के लिए थोड़ा सा डिटेल से बात कर लेते हैं। देखिए कि नोबेल पुरस्कार इन वैज्ञानिकों को लेजर भौतिकी के फील्ड में अहम आविष्कार करने के लिए दिया गया है। डोना स्ट्रिकलैंड जो है वो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले 3रे महिला वैज्ञानिक है। इससे पहले 2 महिला वैज्ञानिकों को मिल चुका है, ये 3री महिला वैज्ञानिक है, तो ये भी एक करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है। और आर्थर एस्किन जो है वो एक अमेरिकी वैज्ञानिक है, जिनके ऑप्टिकल ट्वीजर्स और बायोलॉजिकल सिस्टम के संबंध के लिए प्रयोग को रॉयल स्वीडिश अकेडमी ने मान्यता दी थी, जिसकी वजह से इन्हें नोबेल पुरस्कार है वो दिया जा रहा है। गेरार्ड मोराओ जो है ये फ्रांस के हैं, और डोना स्ट्रिकलैंड जो है ये कनाडा के हैं। उन्हें हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासोट ऑप्टिकल प्लस को जनरेट करने के तरीके के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। पिछले वर्ष भी भौतिकी का नोबेल पुरस्कार है वो 3 वैज्ञानिकों को दिया गया था। पिछले वर्ष किन को दिया गया था, 3 को, वो भी याद रखिए, रेनर वीस को, बेरी बेरीस को और कीपथ्रोन को है वो दिया गया था। इन 3ों को पुरस्कार जो है वो गुरुत्वाकर्षण के तरंगों का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पिछली बार भी 3 लोगों को दिया गया था, इस बार भी 3 लोगों को दिया गया था। क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन किस तरह से, एक तो नाम याद रखना है कि 3 कौन कौन लोग हैं, पहली चीज़ ये याद रखनी है। दूसरा ये याद रखना है कि 3ों जो वैज्ञानिक हैं वो किस देश से हैं, और तीसरी चीज़ याद रखनी है कि क्या कार्य करने के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो 3 ही चीज़ें आपको याद रखनी है भौतिक। मैं PDF भी दे दूंगा ताकि दोबारा आप आराम से दोबारा इसको देश को। तो ये थे भौतिक विज्ञान के लिए 2। अब बात करते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो 2018 का जो दिया गया है उनके बारे में बात करते हैं। तो इस बार चिकित्सा के क्षेत्र में 2 लोगों को सामूहिक तौर पर पुरस्कार दिया गया है, यानी 2 लोगों को एक साथ पुरस्कार दिया गया है। जेम्स पी एलिसन और तासुके होंजे को कैंसर थेरेपी की खोज के लिए सम्मान दिया गया है। ठीक है, यानी कैंसर की दुर्लभ बीमारी के इलाज के लिए दोनों वैज्ञानिकों ने ऐसी थेरेपी है वो विकसित की थी, इसीलिए जेम्स पी एलिसन को और तासुकु होंजो को है दोनों को सामूहिक रूप से ये पुरस्कार दिया गया है। इससे शरीर की कोशिकाओं में ह्यूमन सिस्टम को कैंसर ट्यूमर से लड़ने के लिए मजबूत बनाया जा सकेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा दोनों के भौतिकी के क्षेत्र में 3 लोग और चिकित्सा के क्षेत्र में 2 लोगों के बारे में बात कर ली। अब हम थोड़ा सा नोबेल पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। नोबेल पुरस्कार जो है प्रत्येक वर्ष विज्ञान साहित्य के क्षेत्र में महान आविष्कार करने वाले वैज्ञानिकों को है वो नोबेल पुरस्कार है वो दिया जाता है। तो भौतिकी के बारे में, चिकित्सा के बारे में घोषणा की जा चुकी है, साहित्य के बारे में घोषणा इस बार नहीं की गई है, शायद इस बार साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाएगा, कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो इसकी PDF भी मैं दे दूंगा, इसकी PDF है वो आप टेलीग्राम चैनल से ले लेना, और अगर आपको ये करंट अफेयर की क्वेश्चन अगर इंपॉर्टेंट लगे हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कर दीजिए। 9:30 बजे फिक्स आप भूलना मत, 9:30 बजे है वो हम रोज़ाना लाइव टेस्ट करते हैं, तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ओके गाइज, थैंक यू।